तो अभी आर्मी के कुछ भैया मिल गए थे और मतलब इतना मजा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअली उनमें से एक ने आवाज लगाया जय राजस्थान, और वो राजस्थान जयपुर से ही थे, तो मतलब मजा आ गया उनके साथ बात करके। उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी बातें बताई आसपास की जगह के बारे में, यहाँ टूरिस्ट लोकेशन के बारे में, और अब आगे देखते हैं अगर हमें परमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसके आगे के लिए अलग से परमिशन लगता है, तो वो परमिशन लेने के लिए हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स अगर मान गए, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक का इलाका है, तो ही हम वहाँ जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। मैं ठीक से शायद हवा कर रहा, आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ये जो सामने का जो जगह देख रहे हैं आप, बाहर हवा इतनी है कि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी आर्मी वालों ने मुझे बताया कि ये सामने जो है, ये पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड बेसिकली इस पहाड़ के नीचे जो जगह है, ये कुंड है बहुत बड़ा सा। और जो आपने सुना है कि पार्वती माँ नहा रही थी और गणेश जी वहाँ पे बाहर रक्षा कर रहे थे, और शिव जी जब आए तो उन्होंने उनको मना किया और शिव जी ने खड़ी। और हमने अभी जादोंग का परमिशन लेके हम आगे निकल गए। मैं ब्लॉग कर रहा था, आपको पार्वती वैली दिखा रहा था, तो पार्वती वैली आपने देख लिया था। मैं बता दूँ कि वो वही जगह है जहाँ पे निलोंग, ये है निलोंग, हम क्रॉस करके जादोंग जा रहे हैं। पार्वती वैली में आपने जो कहानी सुनी है कि पार्वती माँ नहा रही थी, गणेश जी बाहर दरवाजे पे बैठे थे और शंकर भगवान वहाँ पे आए, और पार्वती माँ ने कहा था किसी को भी इस कुंड में आने मत देना। गणेश जी ने शंकर जी को भी मना कर दिया और शंकर जी इस बात से नाराज़ हो गए, उन्होंने गणेश जी का गर्दन काट दिया। बाद में पार्वती माँ ने अपने आज्ञाकारी पुत्र के लिए शंकर जी से बोला, तो उन्होंने फिर बोले कि जिसका भी गर्दन मिलता है वो ले आओ। और फिर जो उसकी बात की कहानी आप जानते हैं कि हाथी का सूंड, जो हाथी का के बच्चे का जो है सर, वो लेके आए और वो उनमें जोड़ दिया, इस कारण से गणेश जी जो है आधे जो है हाथी जैसे दिखते हैं। तो ये पूरा लोकेशन जो है वो आर्मी मेंटेन करता है, फॉरेस्ट के अंडर में नहीं आता है, और हमने बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके हम ये आगे जा रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो कि निलोंग वैली के आगे है जादोंग के लिए। और ये आप पहली बार, ये सामने आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये स्नो पूरा पड़ा हुआ है। और ये मैं कोशिश करूंगा कि आर्मी के अगर कोई भी अगर चीज़ अगर आ रहा है वीडियो में, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा या ब्लर कर दूंगा, ताकि आर्मी लोकेशन कहीं ना दिखे वीडियो के अंदर। और इसको प्लीज आप मैनेज करना। अभी आप जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। ये रास्ता, ये जगह कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आया है। और ये पूरी तरह से परमिशन लेके और रिक्वेस्ट करके हमने परमिशन लिया है। रिटर्न परमिशन लेने के बाद ही हम यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ही हम इस जगह को शूट कर रहे हैं। मैं अभी आपका रिकॉर्डिंग पूरा ऑन रखूंगा। हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में कहीं हम कुछ नहीं भी बोलेंगे, या क्योंकि कुछ लोग जो है अगर आसपास रहेंगे या कुछ ऐसा रहेगा तो नहीं बोलेंगे। बाद में मैं आपको बता दूंगा, आप फुटेजेस एंजॉय कीजिए और देखिए जिसका जिस जगह का नाम है जादून। अब हम लोग चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। सामने आप रिवर देख रहे हैं, और ये आप लोकेशन एंजॉय कीजिए, ये व्यू एंजॉय कीजिए। हम पूरी तरह से अभी आर्मी लोकेशन पे हैं, आर्मी एरिया के अंदर में। मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटमेंट लेवल के कारण मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे गाली दे देना। लेकिन ये जगह एंजॉय ज़रूर करना। वीडियो पे अगर अभी आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कैसा लग रहा है, क्या लगा आपको, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गो टू द टाइगर। मैं ऐसी कोशिशें करता रहूँगा आगे भी और चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे नीला पानी है, उस जगह का नाम नीला पानी है। कहते हैं कि वहाँ का पानी जो है उसका कलर हमेशा ही नीला होता है, और नीला मतलब पूरा ब्लू, नॉट लाइक स्काई ब्लू, और इस कारण से उस जगह का नाम नीला पानी है। और वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे आता है। हम जहाँ अभी जा रहे हैं वो भी चाइना बॉर्डर की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय है, और ये काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन है, लोकेशन तो सेंसिटिव है। और रोड जो है वहाँ पे झरने के कारण पानी काफ़ी रोड पे पड़ा हुआ है।
और गड्ढे भी हैं। अभी जादून जा रहे हैं हम लोग और मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में मेरा एक्साइटमेंट होता है। मैं बॉर्डर के नज़दीक हूँ, मैं आर्मी एरिया में हूँ, मैं ऐसी सेंसिटिव लोकेशन में हूँ जो कि मतलब वॉर जोन है। यहाँ जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था या बाद में जब जब भी दिक्कत हुई है, ये जगह बहुत सेंसिटिव लोकेशन कहलाता है। और ऐसी लोकेशन पे मैं अभी अपनी गाड़ी से चल रहा हूँ, तो ये सब जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स में आपको मतलब मैं एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। और वाकई मतलब ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं आर्मी के ऐसे लोकेशन को मैंने अभी क्रॉस किया, नेलोंग को क्रॉस किया, अभी मैं जाडोन जा रहा हूँ। और ये सारा रोड जो है बीआरओ का बनाया हुआ है, थैंक्स टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इतने टफ कंडीशन में इतनी अच्छी सुविधाएं रखी हैं कि भाई आर्मी और बीएसएफ और आईटीबीपी के लोग तो जा ही रहे हैं, फॉरेस्ट के लोग तो जा ही रहे हैं, हम जैसे जो ट्रैवलर्स हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो कभी कभी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं और आने के बाद भी दसियों परमिशन लेने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, सिर्फ इसलिए पहुँच पा रहे हैं क्योंकि इस तरह की सड़क बनी हुई है। तो ऑल थैंक्स टू बीआरओ, ऑल थैंक्स टू इंडियन आर्मी, एंड ऑल थैंक्स टू बीएसएफ, एंड ऑल थैंक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाइट अटेंड करते के साथ ही धूप काफ़ी चटक हो गई है, बहुत तेज़ धूप बिल्कुल चेहरे पे गिर रही है, और लेकिन हवा जो है वो बहुत तेज़ है और हवा में काफ़ी ठंडक है, बिल्कुल बर्फीली ठंड जो होती है वो है इस लोकेशन पे यहाँ पे। एक चीज़ और जो है वो ये कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर का दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे, काफ़ी कम है। हमारे नीचे अभी आर्मी एरिया है, मैं उसको कैमरे में कवर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे चेक पोस्ट तो नहीं दिख रहा है लेकिन आर्मी के लोग जो है चेक पोस्ट भी है आगे, आर्मी के लोग हैं। और ये जगह का नाम है नागा, नागा 3 किलोमीटर मैंने को बोर्ड दिखा था थोड़ी देर पहले, तो अभी हम लोग नागा हैं। अभी जेट गंगा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, दिस जाट गंगा ब्रिज, अब यहाँ से किधर जाना है। अभी जो लास्ट आपने पुल देखा उसका ठीक आगे चेक पोस्ट था, और वहाँ से राइट था नीला पानी का रास्ता और लेफ्ट की तरफ था जादोंग, तो हमें जादोंग का परमिशन है, हम जादोंग की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे आर्मी वाले भैया थे, उन्होंने हमारी एंट्री की, गाड़ी की एंट्री की और लोकेशन पूछा कहाँ से आ रहे हैं क्या है, और उसके बाद हमें फिर अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए।